सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भक्तजन। भक्तजन, आज मैं आपको अक्षय तृतीया के 9 प्रमुख बातों के बारे में बताने वाला हूँ। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अक्षय तृतीया से जुड़ी वह 9 प्रमुख बातें क्या हैं। इस साल 3 मई को अक्षय तृतीया का पावन पर्व पड़ रहा है। हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का बहुत अधिक महत्व होता है। इस तिथि को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए कार्य शुभ होते हैं। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से जुड़ी हुई कई खास बातें हैं जिसमें अक्षय तृतीया का महत्व विशेष बढ़ जाता है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया से जुड़ी उन खास बातों को। नंबर 1, इस पावन दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। नंबर 2, अक्षय तृतीया के पावन दिन ही भगवान विष्णु के 6 अवतार भगवान श्री परशुराम जी का जन्म हुआ था। इस दिन को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। नंबर 3, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के ही दिन गंगा माँ का धरती पर आगमन हुआ था। नंबर 4, इस पावन दिन पितर संबंधित कार्य करना शुभ रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पिंड दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 5, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि से वेद व्यास और भगवान गणेश ने महाभारत ग्रंथ का लेखन शुरू किया था। नंबर 6, अक्षय तृतीया के पावन दिन बांके बिहारी जी का मंदिर वृंदावन में बांके बिहारी जी के विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। साल में सिर्फ एक बार ही इस तिथि पर ही बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। नंबर 7, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। नंबर 8, अक्षय तृतीया के पावन दिन से ही सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इसी तिथि पर द्वापर युग का अंत भी हुआ था। नंबर 9, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत के युद्ध का भी समापन हुआ था। तो भक्तजन, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर वीडियो प्रस्तुत की जाए। तो भक्तजन, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए। आपकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान होगी तो देर सवेर प्रभु आपकी वंदना को जरूर स्वीकार करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि दुख की घड़ी में भक्तजन का प्रभु पर से विश्वास डगमगा जाता है, जबकि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि दुख ही वही समय होता है जब प्रभु अपने भक्तों की कठिन परीक्षा लेते हैं। अर्थात हमें दुख के समय में भी प्रभु पर उतना ही विश्वास रखना चाहिए जितना हम सुख के समय में रखते हैं। तो भक्तजन, मिलते हैं अगली वीडियो में। हम भी इस वर्ष से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करेंगे। खुश रहें, प्रसन्न रहें और सदा मुस्कुराते रहें। बाय बाय भक्तजन।